क्या आपने महसूस किया है आपके जीवन में हर दिन आपके सामने कितना विकल्प दैट इज ऑप्शन या चॉइसेस होते हैं। काफ़ी बार यही सारा चॉइसेस हमें बकरा या गधे भी बना देते हैं क्योंकि हमें लगता है ज़्यादा चॉइसेस मतलब ज़्यादा लग्जरी, ज़्यादा ऐश और आराम। ज़्यादा चॉइसेस एक खतरनाक ध्यान भटका हुआ है, डिस्ट्रैक्शन है जो आपके काफ़ी सारे प्रोडक्टिविटी और सक्सेस पर बाधाओं डालते हैं। मेरा नाम वजीरा दोरजे है। आगे इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने लाइफ के ऑप्शंस या चॉइसेस को कैसे सिंप्लीफाई करें या डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर अवॉइड करें। चलिए शुरू करते हैं। एक पर्सनल एक्सपीरियंस, हाल ही में मुझे एक ब्लैक स्पोर्ट शूज चाहिए था तो मैंने सोचा किसी दुकान या स्टोर जाने के बजाय ऑनलाइन पे क्विक परचेस करूं तो काफ़ी सारा टाइम बचा पाऊंगा। तो मैंने फ्लिपकार्ट के ऐप को अपने फ़ोन पे डाउनलोड किया तो मैंने देखा इतना सारा ऑप्शन, इतना सारा चॉइस और डिस्काउंट। मैं काफ़ी खुश हुआ तो मैंने सारा स्क्रॉल करना शुरू किया और इसमें इतना खो गया कि 2 घंटा बीत गया और फिर मैंने एक मन बनाया कि एक नाइकी का ब्लैक शूज़ खरीदूंगा। जैसे मैंने मन बनाया तो मैंने देखा नीचे सिमिलर प्रोडक्ट विद बेटर चॉइस एंड बिगर डिस्काउंट। तो मैंने उसका ऊपर भी खोज किया और जैसे देखा इतना सारा रिव्यू है, इसको करते करते काफ़ी लेट नाइट हो गया तो मैंने सोचा चलो कल ट्राई मारते हैं। फिर मेरे मन में आया चलो अमेज़न पे बेहतर डील हो सकता है तो अमेज़न खुला। अब मानोगे नहीं, मुझे पूरा 4 दिन लगा एक जूता अपने हाथ में लाने के लिए। क्या ज़्यादा चॉइसेस यही करते हैं कि वो हमारे सारे वक्त को खा जाते हैं और हमारे मेंटल एनर्जी को थका देते हैं और हम एक गलत डिसीजन ले पाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं आपका क्या हाल है। क्या आप भी जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिस इसमें खाना ढूंढने में या ग्रोसरी ढूंढने में काफ़ी सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं? मैंने देखा है न्यू पेरेंट्स बेबी प्रोडक्ट खोजने में ऑनलाइन में काफ़ी सारा टाइम को वेस्ट कर देते हैं या आप सोशल मीडिया के एंडलेस चॉइसेस में खो जाते हैं। और आगे जानेंगे कि ये चॉइसेस और डिस्ट्रैक्शन कितना खतरनाक होते हैं और कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स इसको ओवरकम करने के लिए। उससे पहले वजीरा दोरजे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होते हैं तो आपको डिसीजन लेना कठिन हो जाते हैं और जब डिसीजन लेने की बात आते हैं तो हमारे मेंटल की बैटरी वो कम हो जाते हैं। मान लीजिए आपको एक सही और एक गलत चुनना है लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है तो आप सही को ज़्यादा चुनेंगे, लेकिन आपके पास 10 ऑप्शन है और उसमें से एक सही है तब आप सही को चुनना काफ़ी सारा कठिन हो जाते हैं। चॉइसेस सिर्फ आपके टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं बल्कि आपको डिसीजन लेने पर कठिन कर देते हैं और इससे हमारा मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाते हैं। जब मेंटल एनर्जी ड्रेन होते हैं आप गलत डिसीजन लेते हैं और जब गलत डिसीजन लेते हैं आप लाइफ में स्ट्रेस और डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं जो एक सर्कल के द्वार पर आपके लाइफ को बहुत ही नेगेटिवली इंपैक्ट कर देते हैं और आप लाइफ में असफल और असंतुष्ट महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये है ज़्यादा ऑप्शन का प्रॉब्लम। और डिस्ट्रैक्शन तो आजकल अवॉइड करना इम्पॉसिबल है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही सारा प्रॉब्लम का जड़ है, रूट है। अगर हम इसको ओवरकम कर पाए तो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फ़ोन के साथ डिस्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। इतना सारा OTT सर्विस, इतना सारा नोटिफिकेशन, इतना सारा ऐप, इतना सारा गेम, इतना सारा एंटरटेनमेंट, ऑलमोस्ट जो चीज़ एक सॉल्यूशन के तौर पर बनवाया गया था आज वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डरिए मत, मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं 4 स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन देने वाला हूँ जिससे आपके लाइफ में ऑप्शन और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड हो जाए। सबसे पहले ये जानिए लिमिट योर ऑप्शन, जितना हो सके ऑप्शन को कम कीजिए। मान लो आपको जूता खरीदना है तो किसी एक प्रोसेस या किसी साइट को ट्रस्ट कीजिए, पहले से मन बनाइए कि इतना समय में यही चीज़ खरीदना है। दूसरा पॉइंट, फोरकास्ट कीजिए ये सामान या ये ऑप्शन आपको ज़रूरी है। अगर ये ऑप्शन को आप लाते हैं तो आपको इसका क्या मेंटेनेंस, एनर्जी, टाइम या पैसा देना पड़ेगा। नंबर 3 पॉइंट, कुछ अवेयरनेस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि आपके पास इतना सारा ऑप्शन हो फिर भी आपके पास ये अवेयरनेस रहे कि आप इस ऑप्शन से
क्या लाभ उठा पाएंगे। और सबसे बड़ा चौथा पॉइंट, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए, सोशल मीडिया पे बैठना है तो कुछ समय उसके लिए सेट कीजिए, और इतना सारा OTT सर्विस, एंटरटेनमेंट सर्विस ज़रूरी है, अपने आप से सवाल कीजिए, और एक स्क्रीन टाइमिंग ऑप्शन होता है उसको अपने फ़ोन पे ऑन कीजिए। प्लीज़ इस चार पॉइंट को याद रखिए और अपने लाइफ के चॉइसेस को सरल कीजिए, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, अच्छा काम कीजिए, खुश रहिए, डू गुड, बी हैप्पी, नमस्ते।